ऐसा क्या करते हैं, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से अपने अपलाइन को मिलवाना है और बिजनेस शेयर करना है, उसमें हम कौन सी गलतियां करते हैं, देखेंगे पहले गलत वाली चीज़ और फिर देखेंगे उसका सही तरीका। इस वर्कशॉप के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी हेमंत शर्मा जी को, संजय जी को और सत्येंद्र जी को। आपको आज मैं एक इंसान से मिलवाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर सर, ये सत्येंद्र जी हैं और LIC में बहुत बड़े एजेंट है सर, लाखों करोड़ों का व्यापार करते हैं। अगर ये टीम में आ गए ना सर, बल्ले बल्ले अपनी साहब, ठीक है। बस सर, इनको जो है आपसे मिलवाना था, एक बार आप उनको प्लान वगैरह दिखा दीजिए। मैं दिखा देता हूँ सर, इनको प्लान के बारे में बता देता हूँ। आइए सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी नमस्कार, मेरा नाम संजय है। आप LIC में जॉब करते हैं या सर कंसल्टेंट है? मैं सीनियर एजेंट हूँ और कंसल्टेंट करता हूँ, कि पॉलिसीज करवाता हूँ लोगों की। सर थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा मोदी केयर के बारे में। मोदी केयर के बारे में कुछ जानते हैं सर आप? नहीं सर, मैं पहले कभी नहीं सुना जी। तो सर मोदी केयर के बारे में पहले सुन रखा है आपको? मैं आपको मोदी केयर के बारे में बता दें सर। मोदी केयर जो कंपनी है वो आज से 85 साल पहले राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने बेगमाबाद जो है यूपी में, एक जगह है सर बेगमाबाद, वहाँ पर उन्होंने एक चीनी की मिल लगाई थी और वहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और आज जी मैं बता देता हूँ आपको, और जो मोदी केयर है आज से 85 साल पहले जो है जो स्टार्ट हुआ था मोदी ग्रुप, उसका एक पार्ट है। और यही शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र, शायद ही कोई ऐसा पार्ट होगा जैसे, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसमें मोदी केयर नहीं है, मोदी ग्रुप नहीं है। और आज जो है वाइफ बीमार है, वहाँ पे जल्दी जाना है मुझे, आप बस जो है बस फटाफट ख़त्म कर दो सर, मतलब हाँ चेक दिखा दो बस, और उसके बाद मैं देख लूँगा। कोई बात नहीं सर, बाद में कर लेंगे सर, बाद में कर लेंगे, आप बस चेक दिखा दो। हाँ हाँ सर, वो वाइफ बीमार है, उसको देखने जाना है सर, फ्रेंड ने बुलाया है। हाँ ठीक है, बस बस। तो अभी अभी आपने देखा कि उन्होंने अपने अपलाइन को जब बुलाया तो उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड को आइडेंटिफाई करा, उसके प्रोफाइल को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया, और उससे क्या हुआ, जो नया व्यक्ति है वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाता है। उसको क्या लगता है, अरे अब तो मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे कोई क्या सिखा सकता है। जब कोई किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आ जाता है तो क्या वो सुनने चाहेगा आगे? क्या वो अपने आप दिमाग के ढक्कन खोलेगा या बंद कर देगा? बंद कर देगा। और वहीं जब उन्होंने प्लान दिखाने की बात करी तो क्या किया, टांग पे टांग रख के मोबाइल चेक करने लग गए, डिस्ट्रैक्शंस करने लग गए, खुद से ही ऐसे मैसेजेस पर हंसने लग गए कि जब आपका प्लान दिखाया जा रहा है तो उनको वो दिखा रहे हैं कि मेरे लिए इतनी सीरियस बात नहीं है, मैं इतना सिंसियर नहीं हूँ, तो नया व्यक्ति सिंसियर कैसे हो सकता है? जब नया व्यक्ति ये देखता है कि इतना कुछ खास काम नहीं है जिसके लिए मुझे बुलाया है, तो मुझे भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, है ना। और साथ के साथ एक और चीज़, फ़ोन पर तो क्या कर रहे थे, मूवी की टिकट बुक कर रहे थे, और अपलाइन को क्या कह रहे हैं, फ्रेंड की वाइफ बीमार है। सामने सामने पता चल रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, काम कुछ और है और कुछ और चल रहा है। यानी कि हम ऐसी गलतियां करते हैं, हमें बुलाया जाता है मीटिंग में, हमें बुलाया जाता है ट्रेनिंग में, मन नहीं है, और बहाना क्या बनाते हैं, पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, मेरे घर में मेहमान आ गए। तो यहाँ पर ये चीज़ें गलतियाँ होती हैं। अभी हमने देखा ये वाला गलत तरीका, अब हम देखेंगे सही तरीका क्या होना चाहिए। यही सिचुएशन है, फिर से देखते हैं सही तरीका। आइए सत्येंद्र जी, आइए 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 आइए। थैंक यू सर। सर आपको सेमिनार कैसा लगा? अच्छा था सर। आज आप बहुत खुशकिस्मत हैं, जिन शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ना, उनका टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। हाँ तो एक बार मैं उनसे इजाज़त ले लेता हूँ सर, 2 मिनट होंगे सर। सर आइए आइए आइए। ये हैं संजय देव सिंघल सर, और जिन्होंने मुझे सिखाया है, और इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लिए हैं, अगर इनकी बात आप सुन लेंगे एक बार बैठ के इत्मीनान से, तो आपका भविष्य एकदम सुधर जाएगा सर। सर मैं जब आपने पिछली बार बताया था मुझे, तो लॉयल्टी तक तो मुझे आ गया था, बट आज मैं सर इनके साथ बैठ के आपसे भी मैं कुछ सीखना चाहूँगा, तो सर 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल सर।
बिल्कुल जो है मैं आपको बता देता हूँ, आई सतेंद्र जी आपको भी बता देता हूँ, और आ जाइए हेमंत जी आप भी बैठिए, और मैं आपको एक बार फिर से मोदी केयर का जो 2.0 जो नया हमारा प्लान आया उसके बारे में पूरा आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे किस्मत चेंज होने वाली है। बैठिए सर, साइलेंट मोड पे कर लीजिए सो दैट के कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं भी अपना मोबाइल साइलेंट कर लेता हूँ। बैठिए सर। सतेंद्र जी, सर ने बताया आप LIC में। हाँ जी, मैं हेड सीनियर हूँ, वहाँ पर पॉलिसीज वगैरह कराता हूँ काफ़ी लोगों के। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊँ कि सर आज आप यहाँ आए हैं, टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर।